हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लेके आई हूँ, चीजी क्रीमी पास्ता। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1 कप पास्ता लिया था। आप लोग किसी भी शेप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। और उसको मैंने बॉईल कर लिया था, और बॉईल होने के बाद जब ये सॉफ्ट हो गया, इसको मैंने पानी से, ठंडे पानी से धो दिया ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये लिया है, कैप्सिकम लिया है। 1 कैप्सिकम को मैंने ऐसे रफली पीसेस में काट लिया है। ये स्वीट कॉर्न है। ये 1 बड़े साइज़ के प्याज को भी रफली चॉप कर लिया है, फाइन चॉपिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये 3 चीज़ क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ मैं। आप लोग बढ़ा भी सकते हैं जितना चीज़ी आप लोग को अच्छा लगता है। ये अराउंड 10 to 15 गार्लिक को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स लिया है, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर। ये 2 टेबल स्पून बटर है, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 कप दूध। ये व्हाइट सॉस के लिए चाहिए हमें, ये 3 चीज़ें। तो अब इतना ही सामान चाहिए, अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो एक पैन में मैंने पैन गरम कर लिया। इसको मैंने अराउंड 2 टेबल स्पून ऑयल दिया है इसमें। एक ऑयल गरम होने पे मैं गार्लिक फ्राई कर लूँगी। गार्लिक को तब तक फ्राई करना है जब इसका कच्चापन चला जाए। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, और प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, बस ट्रांसलूसेंट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। क्योंकि ये जो क्रीमी पास्ता है ये वाइट कलर का होता है, इसलिए हमें प्याज का कलर को चेंज नहीं होने देना है। अराउंड 1 मिनट के करीब हम लोग बस इसे सॉटे करेंगे। ये देखिए प्याज हो गया है तैयार। अब मैं इसमें कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न ऐड कर दूंगी, और इसे अनदर 1-2 मिनट्स के लिए हम लोग सॉटे होने देंगे। ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंचीनेस बना के रखना है हमें। ये देखिए 1-2 मिनट बाद मैं अभी इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी, और इसी पैन में मैं अभी व्हाइट सॉस तैयार कर लूँगी। ये पैन में मैंने बटर दिया है, थोड़ा सा मेल्ट होते ही मैं मैदा ऐड कर दूँगी, और कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। मैदा का कच्चापन जाना होगा। ये अच्छे से मैदा और बटर अच्छे से कोट हो गया है, और मैदा का जो एक स्मेल है वो भी चला गया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करूँगी, लेकिन एक साथ नहीं देना है, धीरे धीरे देना है, नहीं तो लंप बन जाएगा एक साथ दे देने से। और कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना होगा, मीडियम आंच पे रखिएगा गैस को। थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा होने के बाद मैंने यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया, और ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। सॉल्ट आप लोग अपने हिसाब से दीजिएगा, सॉरी मिक्स्ड हर्ब्स भी दे दिया। सॉल्ट में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बटर में भी सॉल्ट होता है और चीज़ में भी सॉल्ट होता है। और ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से दीजिए, कितना तीखा आप लोग को अच्छा लगता है। अभी इसमें मैंने ये वेजिटेबल्स ऐड कर दिया, और मैं पास्ता भी ऐड कर दूँगी। इसे अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें ग्रेटेड चीज़ दे देंगे, और हम लोग का पास्ता बन के तैयार हो गया है। बहुत ही इजीली बन जाता है, बस इसे मिक्स होते ही हम लोग इसमें चीज़ ऐड कर देने से हो जाएगा। अभी ये चीज़ ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से एक मिक्स कर देंगे। और देखिए हम लोग का चीज़ी क्रीमी पास्ता बन के तैयार हो गया है। इसे गर्म गर्म सर्व कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू।